देखिए, कल से खेसारी भैया का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खेसारी भैया का एक शूटिंग का वीडियो है जहां पर खेसारी भैया जूता पहनकर मंदिर के गेट पर लात मारते हैं और गेट खुल जाता है। इसी को लेकर इस टाइम पे बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर। लोगों ने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है और काफी बड़े बड़े लोगों ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले कि आखिर इसके पीछे की क्या है सच्चाई, क्या सच में खेसारी भैया ने उस मंदिर के गेट पर लात मारा था, इसके पीछे क्या खेसारी भैया के ऊपर कोई जुर्माना भी लग चुका है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अब हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात जरूर क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये सीन लीक हो रहा है, जो ये वीडियो लीक हो रहा है, जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि खेसारी भैया जूता पहनकर मंदिर के गेट पर लात मारते हैं और गेट खुल जाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये फिल्म के कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं है। जी हां, जो फिल्म के लिए कैमरा रिकॉर्ड करता है, जो वीडियो फिल्म के लिए शूट होता है, ये उस कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया है जो खेसारी भैया की शूटिंग को देखने गया था। जी हां दोस्तों, ये ऑफिशियल कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं है और उसने गलत एंगल पर खड़े होकर इस वीडियो को शूट किया है, इसलिए इस वीडियो की मीनिंग गलत निकल रही है। और जब खेसारी भैया को पता चला कि खेसारी भैया के किसी शूटिंग के वीडियो पर इस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो खेसारी भैया तुरंत लाइव है। उन्होंने सबसे पहले लोगों से माफी मांगी कि अगर आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और उसके बाद खेसारी भैया ने बताया कि वो वीडियो इस तरह से शूट नहीं किया गया है। ऑफिशियल कैमरे का जो एंगल था दोस्तों, वो कैमरा अंदर से लगाया गया है और अंदर से दो लोग गेट को खोलते हुए बताए गए हैं। खेसारी भैया ने इस बात को बताया कि इस गेट को खोलने के लिए अंदर से दो लोगों ने रस्सी से खींचा, उसके बाद सिर्फ मैंने एक्शन किया है, इस पे गेट पे लात नहीं मारी गई है, ये बाहर से गलत एंगल से वीडियो को शूट करके वायरल किया जा रहा है, इसकी मीनिंग कुछ और है दोस्तों, ऑफिशियल वीडियो इस तरह से नहीं शूट किया गया है। इस पर खेसारी भैया तुरंत लाइव आए और उन्होंने पूरी तरह से माफी मांगी। हम लोगों ने तो खुद ही मंदिर के प्रवेश में हमारी फिल्म में डायलॉग है कि जूता खोल के ऊपर चलो, और वो सारी चीजें मैंने दूसरे एंगल से कोई फोटो लेकर या वीडियो लेकर उसको पोस्ट किया है, जबकि हम लोगों ने दो लोग गेट खींचने के लिए मंदिर के अंदर से रखा था रस्सी बांध के, तो और हमारा ध्येय वो नहीं है। तो दोस्तों, जब खेसारी भैया को पता चला कि उन्होंने अनजाने में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया है, तो क्या दोस्तों अब खेसारी भैया को माफ कर देना चाहिए? जब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उनको माफ कर देना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है हमको कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।